सुप्रभात बच्चों, आज माँ सरस्वती को प्रणाम करके संस्कृत रुचिरा का सप्तम पाठ संकल्प सिद्धिदायक पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि मैं पहले भी आपको पढ़ा चुकी हूँ, इसके बारे में आगे मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। परंतु पार्वती अकथ्यत, पार्वती कहती है अम्ब माँ अपनी माता से, शिव पति रूपेण प्राप्तम तपस्या मेव करिष्यामि। शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए मैं तपस्या करने का ये प्रण किया है, इति मैं संकल्प प्रण किया है। ईश्वर मम रक्षाम करिष्यति, ईश्वर मेरी रक्षा करेंगे। तपस्यार्थम को अपि, तप के लिए कोई भी न गृहे वसति, कोई भी घर में नहीं रहता है, तब तो बाहर जाके करते हैं। एवं उक्त्वा, ऐसा कहकर दृढ़ निश्चय, सा पितृगृहम परित्यज, अपने पिता का घर त्याग देती हैं और कानेन निर्मिताम स्वर्ण पर्ण कुटिया अवगच्छत, जंगल में स्वर्ण पत्तों से निर्मित कुटिया में आती है और शिव च और शिव अन्य मनसा अपूजयत, शिव को मन से पूजती है। चीरम तपस्या, लंबी तपस्या और लंबी तपस्या समाचरित करती है। कानेनम हिस्त्राम पशव, जंगल में यानी वन में कानेन भयंकर हिसक पशु विचरंती घूमते हैं, तथापि पार्वती निर्भया वसती स्वम, वो बिना डर के वहाँ रहती है। यतो ही निर्भयम जनमम ईश्वर स्वमेव रक्षति, वो बिल्कुल साहसी निर्भीक थी और इसकी ईश्वर रक्षा करेंगे। कतिचित मासा घता, कई महीने बीत जाते हैं। एकदा कश्चित वटु तपोवनम प्रविशति, एक बार कोई उस तपोवन में एक वटु आता है। वटु दृष्ट्वा, वटु यानी ब्राह्मण, उसको देख करके बोलता है पार्वती आसनात उत्थानम, पार्वती अपने आसन से उठो। तम उपगम्य सादरम अवदत, मैं तुम्हें बहुत सम्मान से कह रहा हूँ। वटो स्वागतम ते, उस वटु यानी ब्राह्मण का स्वागत करती हैं। उपविशति और कहती है कि आप बैठ जाओ। इस प्रकार बच्चों इस पाठ का हिंदी में अनुवाद कीजिए और कुछ नीचे प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों का उत्तर देने का भी प्रयास कीजिए। धन्यवाद।